now today in this session we have to start with ad creation of any e-commerce website. तो guys हमने जैसे last class में किया था कि हमने cataloging की थी, product की cataloging first required है अगर आप e-commerce site के लिए ad run कर रहे हो, क्योंकि जब तक cataloging नहीं होगी तो Facebook या Google दोनों में से कोई भी आपके e-commerce ad को e-commerce way में नहीं रन कर पाएगा. क्यों? क्योंकि the problem is कि normal ad तो बना लेते हो अपने website के लिए, but जब हम e-commerce की बात करते हैं तब majorly जो हमें focus करना होता है वो होता है product selling में, तो product को ज़्यादा highlight करना होता है. तो जैसे हमने catalog कल बना लिया था, अगर आपने catalog वाली video देखी है तो very good है, वरना ज़रूर देख लेना. अब मैं आपको ले चलता हूँ कि इसके ad run कैसे होते हैं. तो उसके लिए हम चलते हैं guys हमारे ads manager में. Let's go and click here on the ads manager. As you can see that here. And ads manager में आपको generally वही same ad बनाना है जो कि हमने Facebook के ads में जब नहीं है. अब आते हैं audience पे. Audience कौन सी होनी चाहिए guys? Audience होनी चाहिए आपकी retarget products to people who visited your website. एक तो ये है कि आप उन्हीं लोगों को बार बार अपनी ad दिखाना चाहते हो जो कि आपकी site में आ चुके हैं. और दूसरा है guys कि आप अपने जो product है उस प्रोडक्ट को नए ऑडियंस तक ले जाना चाहते हो. तो अगर नए ऑडियंस तक ले जाना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा. सो नाउ यू नीड टू सिलेक्ट न्यू ऑडियंस को आपकी ऐड दिखानी है. तो न्यू ऑडियंस के बाद गाइस आपको जो भी ऑडियंस सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ ऐड चलना है, एज ग्रुप, लैंग्वेज. डिटेल टारगेटिंग में आप एक चीज़ का ध्यान रखना है, बस जो मैं आपको हमेशा बताना चाहूँगा वो है एंगेज शॉपर्स को ज़रूर कर देना. Engage shoppers, क्योंकि ये वो लोग हैं guys जो कि online shopping करते रहते हैं. तो आप अगर e-commerce site चला रहे हो तो ध्यान रखना engage shopper करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? Otherwise आपकी ad उन लोगों पे चलेगी जो online shopping नहीं करते, और बेकार में आपका जो ad का budget है वो deplete होता जाएगा और आपको कुछ in return फ़ायदा नहीं आएगा. तो आप ऊपर वाले audience जैसे मर्जी select करो, but detailed targeting में ज़रूर engaged shopper select करना, क्योंकि ये मेरा personal experience है कि इसमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न आता है. नाउ इसके बाद गाइस प्लेसमेंट्स को बिल्कुल भी आप छेड़ना मत, क्योंकि आप फेसबुक पे छोड़ देना कि ये आपकी ऐड कहाँ कहाँ रन करे और आपको अच्छा बेटर रिटर्न दे. अब ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, तो डेफिनेटली है गाइस कि आपका जो एड डिलीवरी है कन्वर्जन होना चाहिए. आपका कन्वर्जन क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऑफकोर्स सेल्स इज अ कन्वर्जन. तो जब तक आपके पास सेल्स नहीं आएगा तो आप ई कॉमर्स साइट से और क्या एक्सपेक्ट करोगे. तो सेल्स इज अ कन्वर्जन. तो कन्वर्जन इवेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है. और इवेंट टाइप क्या है? कि परचेज, कि लोग आपके जो प्रोडक्ट को है परचेज कर ले. तो आप फेसबुक से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको परचेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाए लोगों से, और फेसबुक के पास इतना डेटा है कि उसने उस डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया है कि अगर आप 4,000 रुपये डेली का बजट चला रहे हो तो आपके ऑडियंस टारगेटिंग के अकॉर्डिंग फेसबुक आपको मिनिमम 72 सेल्स से लेके मैक्सिमम 208 सेल्स दे सकता है. ये फेसबुक का डेटा है, बट ये कोई ये टेंटेटिव डेटा है गाइज, ये कोई फिक्स डेटा नहीं है कि आप इस पर बिल्कुल वाउच करने लग जाओ, फेसबुक को बोलो कि आपने इतना खासा दोगे, आपने नहीं दिया. ये एक टेंटेटिव फिगर होता है. तो हमें कभी भी इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है. हमें सिर्फ रिलाई करना है जब हम ऐड को रन कर लेंगे उसके बाद. नाउ लेट्स कम टू इसको गाइज, कन्वर्जन विंडो को 7 डेज क्लिक ही रहने देना और करते हैं कंटिन्यू. बहुत सिंपल है गाइज, ई कॉमर्स की साइट का एड रन करना इतना सिंपल है. अगर आपने कैटलॉगिंग कर लिया तो आपको और कुछ भी नहीं करना है गाइज. आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम वाला अकाउंट जो है वो एक इस पेज के अकॉर्डिंग एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना दे, ठीक है. अब इसके बाद गाइज हमें कैरोसेल एड सिलेक्ट करना है जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है शॉपिंग एड्स के लिए, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसे ही रहने देना. तो आपके जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर ऐसे चलने शुरू हो जाएंगे. बस आपको करना है टेक्स्ट. टेक्स्ट में क्या होता है गाइज कि यू कैन बाय प्रोडक्ट फ्रॉम फ्लैट 50% सेल, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट 50% सेल. ये अभी मैं जस्ट एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि टेक्स्ट कैसे लिखे जाते हैं. तो टेक्स्ट आपका यहाँ पर शो करेगा गाइज आपके इमेज के ऊपर, जैसे कि अभी ये इंस्टाग्राम पे हम, तो इंस्टाग्राम पे तो आपको यहाँ पर यू कैन सी दैट गाइज आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर शो करेगा. अब आपको देखो गाइज आपको अलग से सारे प्रोडक्ट के इमेजेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, उनका लिंक नहीं देना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक कर लेगा. नाउ हमारा जो काम रह जाता है गाइज वो नेक्स्ट जो है, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल यहाँ पर हेडलाइन लिखनी है. हेडलाइन होता है जो कि यहाँ पर आएगा आपका प्रोडक्ट का. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करेंगे तो. तो वो हेडलाइन पे हर प्रोडक्ट का अपना नेम यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट नेम की जगह ऑटोमेटिकली. प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में इफ यू वांट कि आप उसका प्राइस देना चाहते हो तो यू कैन सिंपली सिलेक्ट द प्राइस हियर सो दैट उसका प्राइस उसको वहाँ पर दिख जाए. तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे आ जाएगा, जो भी उस प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा. और आपको डिस्प्ले लिंक में अपने जो साइट का नाम है वो दे देना है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका साइट का नाम है
वो आपको यहाँ पर दे देना है लाइक दिस। तो यू कैन सी दैट जो आपका वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पर, अभी तो ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है गाइज, आपको किस साइट के लिए ऐड चलानी है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा ठीक है। प्रीव्यू यूआरएल में जाके आप अपने साइट का नाम जो भी है यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ गाइज शॉप नाउ का बटन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा अगर आपने कॉल टू एक्शन में शॉप नाउ का बटन दिया है, और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको कंफर्म कर देना है। तो गाइज इस तरीके से हमें कैटलॉगिंग एड चलाते हैं, तो कैटलॉगिंग एड से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना गाइज, आपकी जो ई कॉमर्स साइट है उसमें HTTPS होना बहुत मैंडेटरी है। अगर आपका HTTPS मतलब आपने SSL नहीं लिया है तो ले लो, क्योंकि इसके बिना आपका जो पेमेंट होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। पेमेंट गेटवे के लिए और ई कॉमर्स साइट के लिए SSL होना मैंडेटरी क्लॉज होता है। आपका जो फेसबुक है शायद आपको वो डिसेबल कर दे या फिर आपको अलाउ ना करे शॉपिंग एड्स चलाने के लिए, राइट right? तो आप प्लीज़ यहाँ पर जरूर इस चीज़ को फोकस करना गाइज। आपको ये सेशन देखने के बाद आपको खुद एक बार प्रैक्टिस करना है, अगर आप ई कॉमर्स साइट रन कर रहे हो तो इस तरीके से आप एड रन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, आई होप यू विल डू दिस इन प्रैक्टिकल। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गाइज हैव अ नाइस डे, बाय बाय।